एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नाश्ता हो चुका है और ऊपर की तो साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, नीचे भी झाड़ू लग चुकी है और मैं लगाने जा रही हूँ अब पोछा। पर उससे पहले चाय, दूसरी मतलब दिन की तो पहली ही चाय है। सुबह तो उठ के कॉफ़ी पी ली थी और अभी ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद मैंने सोचा ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा सा चाय पीती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी नीचे पोछा। तो आज काम हो गया है जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया था क्योंकि भाई बहुत लेट हो जाता है वरना। और फिर क्या है, थोड़ा सा मशीन का काम वापस से कुछ ना कुछ देखती हूँ। अब निकली हुई है मशीन, तो जो भी थोड़े बचे काम है वो निपटा लेती हूँ। एक और कवर सिलना है गद्दे का, वो भी सिल देती हूँ आज, और बाकी भी देखती हूँ। कान्हा जी के ना एक दो कपड़े रखे हुए हैं, वो मैं सोच रही हूँ उसकी ड्रेस सिलने की कोशिश करूँ। और जन्माष्टमी के लिए तो भाई ड्रेस के लिए कपड़ा ना लाना ही पड़ेगा, तो देखते हैं अब। अगर कल संडे है तो कल अगर कुछ मिला मार्केट में, वैसे तो जनरली ना वो वाली मार्केट पूरी बंद ही रहती है, कपड़ा मार्केट अच्छी अच्छी शॉप तो सब बंद ही रहती हैं, तो इसीलिए कुछ खास मिलेगा नहीं मुझे नहीं लगता। बट स्टिल देखते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक है, क्योंकि जन्माष्टमी के हिसाब पर कोई भी कपड़ा नहीं रखा है मेरे पास, उसके लिए तो लाना ही पड़ेगा। और मेरी बन रही है यहाँ पर चाय, दीदी भी आके खाना वाना बना के चली गई हैं, अभी गई हैं बस दीदी भी। सुबह सुबह काम हो जाता ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, पर ना हिम्मत नहीं होती ना जिस दिन, तो उस दिन फिर काम होता ही नहीं है सुबह तो। वैसे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह काम हो जाए, फिर दिन भर में आपकी जो इच्छा है वो करो। कपड़े भी एक बार के लगा दिए हैं धुलने के लिए, मशीन बंद होने वाली ही होगी बस, फिर सुखा के आऊँगी। आज भी अच्छा है, धूप निकली हुई है तो मुझे आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है फटाफट फटाफट कपड़े धुल के सुखा दूँ तो सब सूख जाएंगे। और कल संडे है तो प्रेस के लिए देख लेंगे, प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भाई दिक्कत हो गई है प्रेस की। हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक ही प्रेस वाला है और इतनी वाहियात प्रेस करके दे रहा है ना, दो बार कराया मैंने, एक बार कराए थे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, फिर दोबारा उसको बोला कि भैया बिल्कुल अच्छा प्रेस नहीं करके दे रहे हो, ढंग का करोगे तो दूंगी कपड़े, नहीं तो आज के बाद फिर नहीं दूंगी। सेकेंड टाइम भी उसने वही किया, इतनी वाहियात प्रेस मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बस फटाफट फटाफट ऊपर से मारी है, क्रीज बनाई है और दे दिए कपड़े रख के। जो बारीक वाली सलवट होती है वो तो मिट ही नहीं रही है, जबकि उनकी तो कितनी भारी प्रेस होती है यार, तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो भाई इतने पैसे देने के बाद भी अगर इतना गंदा प्रेस होना है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर प्रेस कराने का, तो मैंने तो सोचा कि लेट इट बी, घर पे ही प्रेस करेंगे, कम से कम थोड़ी मेहनत ही लगेगी लेकिन कम से कम साफ सुथरा प्रेस तो होगा, क्या मतलब इतना। दूध रखने आई हूँ फ्रिज में, अरे 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 फ्रिज बंद हो रहा है, फ्रिज के आगे खड़े हो तो कितनी ठंडक लगती है। अभी ये हो गया ना बारिश और उमस एकदम हो रही है, भयंकर वाली ह्यूमिडिटी हो रही है तो बड़ा घबराहट सी हो रही है। खैर चलो चाय बन गई है मेरी, चाय छानते हैं और चाय पीते हैं। ये देखो भाई मैं दो मिनट के लिए आके लेटी हूँ, तो ये देखो पहले घुसी है आके, तेरे को बहुत लेट ना होता ऐसे बगल में आके हैं, क्या हो गया है? नहीं चाटना नहीं है, ऐसे लेटो बस आराम से, चाटो नहीं, मुंह बंद कर। ये देखो लाड कराने आई है, लाड कराने। चलो भाई थोड़ी देर इनको लाड कर लेते हैं फिर करेंगे काम। तो भाई आज मिल रही हूँ मैं आपको संडे के दिन, संडे आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलेगी चैनल पर, थोड़ा सा सैटरडे गेस्ट आ गए थे घर पे तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई, इसीलिए मैंने फिर नहीं शूट किया क्योंकि काफ़ी बिजी हो गई थी, अचानक से आ गए थे तो फिर खाना वाना और ये सब हो गया था तो इसी वजह से नहीं किया था। तो आज संडे है, आज बहुत सारे काम है घर के भी, क्योंकि कल का भी घर फैला हुआ ही पड़ा है, कल वो लोग रात में थोड़ा लेट गए थे तो पूरा काम जो है ना वो ऐसे ही
पड़ा हुआ था, तो आज ब्रूनो का एक तो खाना ख़त्म हो गया है, तो मेन तो हमको मार्केट जाना है इसका खाना लेके आना है, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और इसका खाना मिलता भी बिल्कुल, मतलब इंदौर में दो तीन शॉप्स पे ही मिलता है सिर्फ, और वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ती हैं, क्योंकि स्पेशल फूड होता है ना इसका, हाइपो एलर्जिक जनरली सब जगह रखते नहीं है, वो प्रिस्क्राइब्ड फूड होता है तो बहुत ही कम लोग रखते हैं, तो वो लेकर आना है। फिर हमें जाना है शिप्रा जी, जाना है शिप्रा नदी पे, कुछ पूजा पाठ का कुछ सामान जो है ना वो प्रवाहित करना है, तो वहाँ पर जाना है, तो शिप्रा जी भी चलते हैं आज, आपको भी दर्शन कराऊंगी शिप्रा जी के। अभी तो पानी भी काफ़ी आया हुआ है, बारिश के मौसम में तो अच्छा खासा पानी आ जाता है, तो शाम को देखते हैं, हाँ शाम तक ही जाएंगे वहाँ पे। तो अभी तो घर के काम निपटाते हैं एंड देन फिर चलते हैं घूमने, सामान भी लेकर आएंगे और शिप्रा मैया के दर्शन भी करके आएंगे। तो चलिए भाई फटाफट काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं। हम पहुंच गए शिप्रा जी, ये देखिए पीछे कितना सारा पानी आया हुआ है अभी नदी में, और हम खा रहे हैं यहाँ पे भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। सीख गया एक तो हुआ गरम गरम, एक सेकंड आगे से उधर से पकड़ो ना, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, भुट्टा आ गया हमारा, थोड़ा ज़्यादा काला काला कर दिया उन्होंने सेक के, इसको थोड़ा सा कम वो करवाना है अजय, हाँ थोड़ा काला कम कराना, बहुत ही जला जला सा हो जा रहा है। चलिए भुट्टा खाते हैं। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे जूजू को खाना ही नहीं मिलता है घर में। ये ब्रूनो का फूड आया था, मैंने पैकेट खाली किया है, तो खाली पैकेट के अंदर घुस के और वो पैकेट को चाट रही है पूरा मुंह पैकेट के अंदर घुसा क्यों खाना नहीं मिलता तुम्हें घर में, ऐसी हरकतें कर रही हो क्यों जूजू? सुन ही नहीं रही है, कोई मतलब नहीं है उसे। ये देखो एक अरे अरे। तो भाई हम भी आ गए हैं सोने के लिए, लेट हो गया काम करते करते, 12:15 हो गई है और अब सोते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ेगा, कल व्रत है तो मंडे है व्रत रहेगा, अच्छा पार्टी घर सो गई है, आज गर्मी भी हो रही है थोड़ी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।